नमस्कार दोस्तों, अलकास किचन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लाडी पाव की रेसिपी। ये पाव बिना ईस्ट के बने हैं और बनाने में बहुत आसान है। आप घर पर लॉकडाउन के दौरान बहुत आसानी से ये बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच चीनी, 3 चम्मच ऑयल लिया है, और कोई भी ऑयल ले सकते हैं, 3 चम्मच मैंने दही लिया है और आधा कप दूध लिया है, और 1 चम्मच मैंने इनो पाउडर लिया है। दूध एक आधा कप से 2 चम्मच ज़्यादा लिया है, 2 चम्मच एक्स्ट्रा लगता है। अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स कर लेंगे। मैंने 2 कप मैदा मिक्स कर लिया, बाउल में डाल लिया है। 2 चम्मच मिल्क पाउडर को भी डाल लेंगे बाउल में, नमक स्वाद के अनुसार, यह चीनी 1 चम्मच। चीनी से बंस को बनाने में, फर्मेंटेशन में बहुत हेल्प मिलती है। और अब हम 3 चम्मच दही डालेंगे, दही ज़्यादा खट्टा ना हो। और अब हम 3 चम्मच ऑयल डालेंगे, यह ऑयल मैंने नाप कर पहले ही रखा था। अब इसमें हम 1 चम्मच इनो पाउडर डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हमें डो बनाना है। डो बिल्कुल नरम बनाना है, टाइट डो नहीं होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट। रोटी से भी, जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं, उससे भी ज़्यादा नरम आटा गूंदना है। इन बंस को आप पाव भाजी के साथ खा सकते हैं, या फिर शाम को चाय के साथ चटनी लगाकर, बटर लगाकर, जैसे भी आपका मन करे खा सकते हैं। और इसको बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मुझे ये बनाने में 45 मिनट्स तक का टाइम लगा है, टोटल प्रिपरेशन से लेकर इसको बेक करने तक का। आप हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लेकर हम डो को अच्छे से नीड कर लेंगे, क्योंकि यह थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। इस तरह से हमें थोड़ा नीड कर लेना है। 2 मिनट में ही ये डो एकदम स्मूथ हो जाएगा, चिपचिपा नहीं रहेगा बिल्कुल भी, ऐसे ही नीड करते रहने से। आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा स्मूथ होने लगा है, ये देखिए एकदम स्मूथ डो हो गया है थोड़ा सा गूंथते रहने से। इसको मैंने 6 बराबर भागों में बांट लिया है, क्योंकि 6 पाव ही बनने वाले हैं इस डो से। आपको अगर थोड़े ज़्यादा छोटे बनाने हैं तो आप थोड़े ज़्यादा वो टुकड़े कर सकते हैं इसके। हाथों में थोड़ा सा ऑयल ले और इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते जाएं। इस तरह से फोल्ड करना है, एक बन की शेप बनानी है पाव की, इस तरह से। मेरे पास ये टिन है जिसे मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और इसमें मैं इस तरह से रखती जाऊंगी। अगर आपके पास बड़ा टिन हो तो आप थोड़ा बड़े टिन का इस्तेमाल कीजिए। अब हम इसको मिल्क वॉश कर लेंगे। ये पाव को मिल्क वॉश करना बहुत ज़रूरी है, इससे जब बेक होते हैं तो ऊपर बहुत अच्छा क्रस्ट आता है, इस तरह से। अब इनको हम 180 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए हम बेक कर देंगे। आप अपने ओवन के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बेक कीजिए। अब ये देखिए बेक होकर बिल्कुल रेडी हैं। इन पर हम बटर से ब्रश करेंगे ताकि इनमें थोड़ी शाइन आ जाए और ये सॉफ्ट भी हो जाए। अच्छे से हमें मेल्टेड बटर से इसको ब्रश कर लेना है, और 5 मिनट के लिए इसको ढककर, गीले कपड़े से ढककर रख देंगे हम। इस तरह से 5 मिनट के लिए हम इसे ढककर गीले कपड़े से रख देंगे, ताकि ये आसानी से डीमोल्ड भी हो जाए और ऊपर से एकदम सॉफ्ट रहे। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हैं एकदम, और अंदर से आप इनका टेक्सचर भी देख सकते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट बने बने हैं। मैं इनको शाम की चाय के साथ चटनी लगाकर खाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।